हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं वो है mkdir, head एंड tail। ये तीन कमांड हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ RHEL 7 सर्वर के नाम से। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ls कमांड यूज करता हूँ फाइल और डायरेक्टरी के नेम को देखने के लिए। देखिए दोस्तों, जो हमारी mkdir कमांड होती है वो स्पेशली यूज की जाती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप mkdir कमांड यूज कीजिए, जैसे कि mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर mkdir कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है, और ls करके आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं, आप यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक ही टाइम पर मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम स्पेस डायरेक्टरी नेम स्पेस डायरेक्टरी नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए, और ls करके आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पर आप मल्टीपल डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर कभी भी आप हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि एल डॉट के द्वारा आप हिडन फाइल और डायरेक्टरी देख सकते हो, अगर आप हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। जैसे कि मुझे विशेष नाम से हिडन डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो नेम से पहले आप जस्ट डॉट यूज करेंगे, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एल डॉट के द्वारा, यहां पर आप देख सकते हैं कि विशेष नाम की हिडन डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर आप नॉर्मली ls करते हैं तो आप यहां पर कहीं पर भी विशेष नाम की डायरेक्टरी आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर mkdir कमांड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोग कमांड यूज करने वाले हैं वो है हेड कमांड। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैट कमांड यूज की थी। कैट कमांड हम लोग यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए। जैसे कि रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है हमारी passwd के नाम से, टाइप करके जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं तो इस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको शो हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप passwd फाइल के अंदर की कंप्लीट कंटेंट चेक नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ लाइनें चेक करना चाहते हैं, जैसे कि passwd फाइल की टॉप कुछ लाइनें आप देखना चाहते हैं, जैसे कि हेड स्पेस हाइफन एन स्पेस जितनी भी लाइन आप देखना चाहते हैं, दो देख टॉप हेड बोले तो टॉप टॉप की कुछ लाइनें देखने के लिए, तो हेड स्पेस हाइफन एन स्पेस लाइन नंबर टॉप की कितनी लाइनें आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं 5
लाइंस देखना चाहता हूं टॉप की पास्ट डब्ल्यूडी फाइल के लिए। तो ये कमांड हम लोग यूज करेंगे हेड स्पेस हाइफन एन स्पेस लाइन नंबर स्पेस फाइल नेम टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। तो जो भी पास्ट डब्ल्यूडी फाइल के अंदर टॉप फाइव लाइंस हैं वो आपको शो होगी। अगर आप छह लाइनें देखना चाहते हैं या सात लाइनें देखना चाहते हैं तो लाइन नंबर टाइप कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए, तो अब आपको सेवन लाइंस आपको यहां पर शो हो रही है। तो दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हेड कमांड यूज की जाती है किसी भी फाइल की टॉप की कुछ लाइनें देखने के लिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप पास्ट डब्ल्यू डी फाइल की बॉटम की कुछ लाइनें देखना चाहते हैं, अभी हम लोगों ने हेड कमांड के द्वारा टॉप की कुछ लाइनें देखी, अगर आप बॉटम की कुछ लाइनें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं टेल, टेल हाइफन एन स्पेस लाइन नंबर जितनी भी लाइन आप देखना चाहते हैं और फाइल नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए तो आपको बॉटम की कुछ लाइनें आपको यहां पर शो कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने mkdir हेड एंड टेल ये तीन कमांड दोस्तों हमने डिस्कस की। इस वीडियो के अंदर यही हम लोग कमांड्स यूज करेंगे, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।